Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9. देखो भैया, ये शंभुनाथ का मंदिर है, अली बाबा की मजार है, गांव समलपुर, अजमेर रेंज लगती है यहाँ पे फॉरेस्ट की. और यहाँ पे पिछले 20-25 दिन से लगातार मोर मरते जा रहे हैं. यहाँ पे हम दाना डालते तो भी 100-150 मोर चढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अभी क्या है, 20-25 दिन के अंदर ही मुश्किल से 30 या 35 मोर रह गए चढ़ने वाले. बाकी ज़्यादातर मोर मर चुके हैं. क्या कारण है मोर मरने का? कारण वैसे जहाँ तक नज़र आ रहे हैं तो इन मोरों को कुछ ना कुछ आँखों में परेशानी हो रही है, जैसे अंधे होते जा रहे, कुछ दिखना बंद हो रहा है इनको. और उसके बाद ये पेड़ों से टकरा रहे या कुत्ते भी मार दे रहे, फिर जब इनको दिख नहीं रहा तो इसलिए लगातार मरते जा रहे. सर, वन विभाग को हमने सूचना दी थी इसकी? वन विभाग को सूचना दी थी, पहले भी दी थी और अभी भी दी थी. तो कल एक उनमें से कोई आए थे और दो डेड बॉडी लेकर के गए उनकी, और एक हमारे पास जीवित मोर है जो घायल अवस्था में कुत्ते ने मार दिया. तो उसको लेके जाना चाहिए था, उन्हें इलाज कराना चाहिए था, लेकिन उनकी लापरवाही है जो लेकर के नहीं गए. अब यहाँ पे हमें भी थोड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे रखा हुआ है हमने, बिल्ली या कुत्ता कोई भी जानवर हिंसक पशु उसको बाहर कर सकता है. आप मानते हो ये राष्ट्रीय पक्षी अपना? राष्ट्रीय पक्षी है, तो सबसे पहले तो उनको इसके सुरक्षा करनी चाहिए थी. लगभग कितने मोर हो गए जंगलों में अभी तक और कितने मर चुके हैं? जंगल में मेरे अपने आँखों देखी कम से कम 30-35 मोर तो मैं देख चुका हूँ, जो डेड बॉडी जो मर चुके हैं, कुत्ते खा गए, कुछ रास्ते में पड़े, आपने भी देखा होगा, ऊपर भी पड़े हुए, बाकी और इधर उधर जंगलों में भी मरे हुए. आपका नाम और कौन सी जगह है? मेरा नाम अमित है, गाँव समलपुर. रहती उन